हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि आपके सभी टेट एग्जाम में काम आएगी देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके नेट एग्ज़ाम का नेट साइकोलॉजी एग्जाम का और साथ ही साथ सी टेट एसेट्रेट एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जर्नल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर डिसमिलर कहते हैं जो जर्नल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी वो डिसिमिलर है इन दैट केस एजुकेशनल साइकोलॉजी उस केस में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए कहता है इज कंसर्ड विद द चाइल्ड एंड नॉट विद द एडल्ट इस केस में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो सिर्फ बच्चे से संबंधित होती है ना कि एडल्ट से सेकंड ऑप्शन कहता है इज कंसर्ड विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग ये जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं लर्निंग के उनसे कंसर्ड होती है ऑप्शन सी कहता है डील ओनली विद द एप्लीकेशन एंड नोट विद द थ्योरी कहता है कि ये सिर्फ एप्लीकेशन से डील करती है ना कि थ्योरी से ऑप्शन डी कहता है सिलेक्ट एंड एम्फेसाइज सर्टेन डाटा फ्रॉम जर्नल फील्ड ये सिलेक्ट करती है और एम्फेसाइज करती है कुछ डाटा को या निश्चित डाटा को फ्रॉम जर्नल फील्ड तो इस केस में इन दैट केस एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है डिफरेंट होती है जर्नल साइकोलॉजी से तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशनल साइकोलॉजी माइट बी एक्सपेक्टेड टू मेक टूअर्ड मॉडर्न एजुकेशन लाइज इन द एरिया ऑफ कहता है जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो एक्सपेक्ट किया जाता है किसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन के अंदर मॉडर्न एजुकेशन का कौन सा एरिया है ये क्लरिफिकेशन ऑफ द गोल्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है या फिर रीवल्यूशन ऑफ़ द ऑफ प्रोग्रेसिविज्म है ए रिकन्सिड्रेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपल ग्रोथ या फिर रिफाइनमेंट है ऑफ द रिसर्च टेक्निक का थ्रू विच एजुकेशन प्रॉब्लम आई टी सॉल्व उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कि यह क्या है एक रिफाइनमेंट है किसकी रिसर्च टेक्निक्स की किसके थ्रू जिस जो एजुकेशनल प्रॉब्लम होती है ताकि उनको सोल्व किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज अ साइंस हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी देखिए कहता है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच होती है और साइकोलॉजी को साइंस भी कहते हैं तो इस स्टेटमेंट के पीछे साथ ही साथ ये कहता है कि हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसके फादर कौन है ऑप्शन है बोरिंग हल वोंट और टोलमैन देखिए जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसके जो फादर माने जाते हैं वो है विलियम वोंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आगे भी आने की संभावना है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी ए साइंस किस मेथड ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक, एक साइंस बनाया है ऑब्जर्वेशन मेथड क्लिनिकल मेथड सर्वे मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड देखिए फ्रेंड्स जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है उसको एक साइंस बनाया है एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर जो मोस्ट ऑफ रिसर्च होती है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट ही किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है हम दो ग्रुप लेते हैं एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है और एक वो ग्रुप होता है जिसको हम जिसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेयर वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप कहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी वो सेट की गई थी बर्लिन में की गई थी लिपजिंग में की गई थी फ्रैंकफर्ट में की गई थी या फिर बोस्टन में की गई थी देखिए जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी वो सेट की गई थी लिपजिंग में और ये किसके द्वारा सेट की गई थी विलियम वुंट के द्वारा जो क्वेश्चन आपने पहले भी देखा है कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसको जो है साइंस किसने बनाया था वो एक्सपेरिमेंटल मेथड भी जिसमें आया था और उसके फिर उसके बाद आया था जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं नाम द मेथड विच डील विद ओनली वन पर्सन उस मेथड का नाम बताना है जो सिर्फ वन पर्सन से डील करता, करता है एट ए टाइम एंड प्रोमोट एडजस्टमेंट और उसके एडजस्टमेंट को प्रमोट करता है के स्टडी होती है क्वेश्चनअर होता है क्लिनिकल मेथड होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है देखिए वो एक मेथड जो सिर्फ एक पर्सन से एक टाइम में डील करता है तो वो होता Because, है फ्रेंड्स क्लिनिकल मेथड बिकॉज देखिए फ्रेंड्स ये क्लिनिकल मैथडे क्योंकि क्लिनिकल मेथड के अंदर होता है एक टाइम पे एक ही पर्सन की स्टडी की जाती है और एक ही पर्सन की स्टडी जाता साथ उसके एडजस्टमेंट की कोशिश की जाती है लेकिन फ्रेंड्स इसमें कई जो बच्चे होते क्या गलती करते हैं वो केस स्टडी के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि उनको ये लगेगा कि एक टाइम पे तो केस स्टडी ही होती है लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि जो केस स्टडी होती है अगर इसकी आप करेक्ट डेफिनेशन देखोगे आप हमारी अलग सी वीडियो है चैनल पे आप उसको जा करके देख सकते हैं केस स्टडी क्या होती है ये एक पर्सन की भी हो सकती है इंडिविजुअल की हो सकती है बट ये साथ ही साथ ग्रुप ऑफ पर्सन की होती है इसके ऊपर जो है काफी सारे लोगों के ऊपर एक साथ काम किया जा सकता है बट क्लिनिकल मैथड एक ऐसा मैथड होता है जिसके अंदर सिर्फ एक पर्सन के ऊपर ही एक टाइम में काम किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन सा फंक्शन एजुकेशनल साइकोलॉजी का नहीं है टू डिस्कवर टेक्निक्स बाय मेन ऑफ विच एजुकेशनल गोल कैन बी अटेन इफेक्टिवली कहता है ऐसी टेक्निक्स को डिस्कवर करना जिससे जो एजुकेशनल गोल है उनको अटेन किया जा सके इफेक्टिवली या फिर टू डिफाइन द गोल फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव उन गोल्स को डिफाइन करना जिसके लिए एजुकेशन स्ट्राइव करती है

दी फॉर्मुलेसन ऑफ है या डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल सोलूशन है टू एजुकेशनल प्रॉब्लम का या फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल इनसाइट इनटू टू द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द टीचिंग आर्ट या फिर डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा द डिस्क्री ऑफ टीचिंग प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस यही जो है सबसे ज्यादा चिंता होती है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की कि ऐसे टीचिंग प्रोसीजर की डिस्कवरी की जाए जिससे मैक्सिमम इफेक्टिवनेस आए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रस्पेक्टिव टीचर्स विद एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है प्रस्पेक्टिव प्रोवाइड करती है किसको टीचर्स को विद किसके साथ इनसाइट इनटू इंटू दस एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके काफी सारे जो एस्पेक्ट होते हैं उनके साथ या फिर प्रिंसिपल इंसाइट्स एंड एटीट्यूड होते हैं एज पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग या फिर रिसर्च का जो प्रोसीजर होता है बाई मेन ऑफ विच इज टू इवेल्युएट करेक्ट टीचिंग प्रोसीजर या फिर वैलिडेट करती प्रोसीजर को टू यूज इन देयर टीचिंग्स तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हो, एक प्रस्पेक्टिव प्रोवाइड करती है टीचर को कि जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं मॉडर्न एजुकेशन के उनको भी क्या है सीखा जाए उनके अंदर उनको भी एक बार देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर ट्रेड एंड प्रोसीजर इज मोस्ट ऑफन गिवन बाई चिल्ड्रन एज द रीजन फॉर नॉट लाइकिंग द टीचर ताकि सबसे ज़्यादा जो टीचर का जो ट्रेट है प्रोसीजर है जिसके अंदर टीचर को बच्चों के द्वारा तो पसंद नहीं किया जाता तो वो क्या हो सकता है इरिटेबल और बैड टेम्परामेंट हो सकता है टीचर का या फिर इग्नोरेंस होती सब्जेक्ट मैटर की या फिर अनफेयरनेस और फेवरेटिज्म होता है या फिर अनरीजल डिमांड होती है चिल्ड्रन की तो करेक्ट आंसर क्या है इरिटेबल और जो बैड टेम्परामेंट होता है टीचर का उसके कारण जो है बच्चे टीचर को पसंद नहीं करते नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन जो फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी को किसके द्वारा लिखी गई थी कॉलर के द्वारा वर्लियम जेम्स के द्वारा या फिर क्लार्क हल के द्वारा प्लेटो के द्वारा फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी लिखी गई थी विलियम जेम्स के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ टीचर कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टीचर की जो बिगिनिंग होती है उसके अंदर लाई करता है हिज पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसकी जो एबिलिटी होती है क्लास से रिलेट करने की या फिर उसका जो एटीट्यूड होता है आउटलुक होता है लाइफ के प्रति या फिर हिज वर्बल फैसिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी या फिर कहता है लास्ट ऑप्शन हिज स्कॉलरशिप एंड इंटेलैक्चुअल एबिलिटी तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए कि देखिए जब एक टीचर अपने टीचिंग करियर की स्टार्टिंग करता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है और उसकी जो एबिलिटी होती है क्लास के साथ रिलेट करने की क्लास के साथ संबंध बनाने की जो एबिलिटी होती है वो जो ज्यादा इफेक्ट करती है या फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है द टीचर्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द दैक्सिम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट इफेक्टेड तो टीचर का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है किस में जो मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन है बच्चे की वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है किसके थ्रू कंसल्टेंट फुलफ़िलमेंट ऑफ द चाइल्ड नीड्स या फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज सेंसिटिव ऑफ पीपल नीड्स गोल्स एंड पर्पजेज या फिर स्ट्रिक्ट रेनफ़ोर्समेंट ऑफ अकेडमिक स्टैंडर्ड तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा सेंसिटिविटी ऑफ पीपल नीड्स गोल्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एज ए साइंस कौन सा जो मेथड होता है रिसर्च का कॉन्ट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा एजुकेशन साइकोलॉजी को साइंस बनाने के लिए क्लिनिकल मैथड एक्सपेमेंटल मैथडिकल मेथड सर्वे मैथ होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आस हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन को घुमा फिरा करके एग्जाम में दे दिया जाता है और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं तो इसलिए इनको इस वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स साथ में ये भी बता दूं कि हमारे वीडियो एजुकेशन पॉइंट के ऊपर काफी सारी वीडियो जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी की डाली गई है जो हिंदी और इंग्लिश द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय कंफ्लिक लार्जरली फील्ड होता है एजुकेशन का उसको परमिटेड क्या होता है कन्फ्लिक्ट और मिसकनसेप्शन जो होती है वो लार्जरली किसके कारण होती है द प्रॉब इनकाउंटर इन टीचिंग कल फॉर सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन या फिर देर आर नो बेस्ट टीचिंग मैथड एंड प्रोसीजर या फिर द प्रोब्लम इनकाउंटर इन टीचिंग आर नॉट एमनेबल टू रिगरियस इन्वेस्टिगेशन फिर एजुकेशन तो है प्रैक्टिकल एंड ओनली सेकेंडरली टू भी साइंटिफिक तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी जो प्रॉब्लम इनकाउंटर की जाती है टीचिंग के अंदर वो ज्यादा अमेनेबल नहीं है और ज्यादा ही डिफिकल्ट साइंटिफिक जो है इन्वेस्टिगेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए The basic foundation of physical, mental and personality development are laid in the period. जो basic foundation होती है किसकी physical, mental और personality development की वो किस period के अंदर laid करती है adulthood के अंदर adolescence के अंदर या फिर childhood के अंदर या फिर infancy के अंदर तो ये जो है period होता है childhood जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो बच्चे का जो physical, mental और personality development होता है उसका आधार स्थापित होता है यानी कि उसका base बनता है देखिए, कहता है है है, एक ऐसा होता है, जिसके अंदर अंदर जो जो है, जो बच्चे के बच्चा जैसे इमोशनल होता है किसी भी बात पे रो देता है आंखों में आंसू आ जाते हैं या फिर वो ज्यादा ही खुशी महसूस करता है या फिर वो उदासी महसूस करता है यानी कि उसका जो मूड का जो फॉर्मेशन है कभी उसका मूड किसी तरह का होता है कभी किसी तरह का होता है तो वो वो जो सेंटिमेंट होते हैं या जो ऑफ मूड होता है उसको क्या कहते हैं ओल्ड एज कहते हैं चाइल्डहुड कहते हैं बेबीहुड कहते हैं फिर देखिए फ्रेंड्स वो होती है adult sense. Adult sense को संघर्ष और तूफान की अवस्था भी बोला जाता है इनकी इस समय के अंदर जो मूड होता है वो ज्यादा स्विंग करता है बहुत ज्यादा मूड चेंज होता है बार बार जो है बच्चे के अंदर अलग अलग तरह के विचार पैदा होते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पैन ऑफ इयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मेंटली इमोशनली सोशली एंडलीयर्स होते हैं कुछ ईयर्स का जो टाइम होता है किस टाइम जहाँ पे बॉयज और जो गर्ल्स होते हैं वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाते हैं मेंटली इमोशनली सोशली और फिजिकली ठीक है तो उसको क्या कहते हैं लेट चाइल्डहुड होता है इन्फेंसी होता है एडोलसेंस होता है या फिर एडल्ट ईयर्स होता है तो ये होता है एडोलसेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर कंफरवेड विद फ्रिक्वेंट इमोशंस आउटबर्स्ट ऑन दार्ट ऑफ पीपल सुड कहता है वो कॉन्फ्रेंटेड होता है इमोशनल आउटबर्स्ट के साथ किस पीपल के किस पार्ट में ये होना चाहिए ऑप्शन ए कहता है दिस स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड को कंसीडर किया जाए जो उनके ऊपर बनाई गई है या फिर अलो देजेंशन इन दिस वे इस वे में टेंशन को छोड़ा जाए या फिर लेट दम एक्सप्रेस इज आउटसाइड द्लास ठीक है कि उन चीज़ों को क्लास के बाद एक्सप्रेस किया जाए या फिर नन ऑफ दिज देखिए तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अलो दैम टू रिलीज टेंसन इन दिस वे कि जो बच्चे का जो इमोशनल बिहेवियर होता है बच्चा बार बार जो है अपनी इमोशंस को चेंज करता रहता है और बहुत ज़्यादा टेंशन उसको हो जाती है ठीक है तो उसको जब इमोशनल आउटबर्स्ट होता है तो क्या एक टीचर को क्या करना चाहिए कि जो इमोशनल आउटबर्स्ट का मतलब क्या होता है बहुत सारी टेंशन बच्चे के सामने आ जाती है तो वो उस टाइम पर क्या करें तो एक टीचर का फर्ज बनता है कि वो बच्चे को बताए कि इन टेंशन्स को वो किस तरह से छोड़ सकता है कौन सा वे हो सकता है इन टेंशन को छोड़ने का या फिर ये जो गलत आइडियाज या फिर ये जो गलत फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं या टेंशन आपके मन में पैदा हो रही है वो किस तरह से छोड़ा जाए आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और अगर आप वीडियो एजुकेशन पॉइंट पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना